हेलो फ्रेंड्स, मैं ललिता और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है जीके ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि बच्चों को घड़ी देखना कैसे सिखाएं। जी हाँ, छोटे बच्चों को घड़ी देखना किस तरीके से सिखाएं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बच्चों को सिखाने का एक तरीका ढूंढा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि बच्चों के सामने एक किस तरीके से घड़ी बना लेनी है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताई है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में कोई बेकार ओल्ड घड़ी पड़ी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उसकी घड़ियों को मूव कर सकते हैं, इसमें आपको बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, देखिए मैंने क्या किया कि इस तरीके से घड़ी ड्रॉ कर दी, उसमें नंबरिंग भी डाल दी है। ठीक, अब सबसे पहला जो होगा, हमें बच्चे को ये सिखाना होगा कि जो आपका, ये देख लीजिए मैंने जिस तरीके से किया है, तो जो 12 है, ठीक है, जो 12 पे मैंने ओ क्लॉक लिखा, 3 पे मैंने क्वार्टर पास्ट लिखा, और जो 6 है वहाँ पे हाफ पास्ट, और 9 पे मैंने क्वार्टर टू लिखा है। इसका मतलब मैं बात को बताऊंगी अभी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि घड़ी देखना बच्चों को किस तरीके से सिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स, अभी करना क्या है कि अगर आपके बच्चे को 5 का टेबल आता, 5 का पहाड़ा आता, तो बहुत आसानी से घड़ी देखना सीख लेगा। जैसे कि जैसे हमें पढ़ना क्या है कि 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है। सपोज मान कीजिए कि घड़ी जो है आपकी ये है, और सुई जो है ये यहाँ पे है, ठीक ठीक एक सुई यहाँ पे है और एक सुई यहाँ पे है, ठीक है, ठीक, ये मिनट वाली सुई है ये, और ये घंटे वाली सुई है, ठीक। तो अब जैसे हम उससे कहेंगे कि बेटा जरा घड़ी देख के आओ, तो उसको आप सिखाइए कि वो टेबल पढ़े, ठीक, 5 × 5, तो वो क्या बोलेगा कि 3:05, ठीक। देखिए कितना ही आसान तरीका है, बस उसको 5 का टेबल आना चाहिए। अगर ये वाली सुई 2 पर है, ठीक है, मिनट वाली सुई 2 पर है, तो जब ये 2 पर होगी तो वो क्या बोलेगा, मम्मा 3:10, ठीक है, 3:10। इस तरीके से यहाँ पे 3:15, इस तरीके से मतलब 3:15 हुआ है। और अगर इंग्लिश में उसको सिखाना चाहते हैं तो वो कैसे बोलेगा, 3:15, मम्मा 3:15, ठीक है। इस तरीके से आप उसे घड़ी सीखना बहुत ही इजीली सिखा सकते हैं। देख कितना अच्छा सा तरीका मैंने जो पूरे YouTube पे मैंने देखा, लेकिन किसी ने ये तरीका नहीं बताया। बस वो सब लोग और बताते रहे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं आपके साथ में ये शेयर करूं, 5 के टेबल वाला। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा तरीका, मैंने भी अपने बच्चों को इसी तरीके से सिखाया, और वो बहुत ही आसानी से घड़ी देख लेते हैं, चाहे वो टेन मिनट पे हो, या मतलब नंबर पे हो, या 11 पे हो, किसी भी नंबर पे। तो बस मैंने टेबल पढ़ना सिखा दिया है, ठीक है। जैसे 9 पे है तो 45 हो जाएगा, ठीक है, 3:45। और अगर उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो 1:45 हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से उनको घड़ी देखना सिखा सकते हैं, यानी 5 के टेबल से। बस फ्रेंड्स, 5 का टेबल ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से देखें, मैंने कुछ और भी वहाँ पे, जब घड़ी देखते हैं तो AM और PM का भी मतलब बच्चों को पता होना चाहिए, AM और PM क्या होता है। तो जैसे AM का क्या होता है, एंटी मेरिडियन, यानी दोपहर से पहले का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं एंटी मेरिडियन, ठीक है। और अगर इंग्लिश की बात करें तो उसको बोलेंगे बिफोर नून, ठीक है। रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक की आपको घड़ी में AM ही दिखाई देगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि बिफोर नून का मतलब होता है दोपहर से पहले, और उसको हम शॉर्ट में AM बोल सकते हैं। इसी तरीके से PM होगा पास्ट मेरिडियन, यानी दोपहर के बाद का जो समय होगा, ठीक है, और उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं आफ्टर नून। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, जो कि आप बाद में आसानी से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए मैंने कुछ छोटे छोटे वाक्य तैयार करे हैं, जैसे कि, अरे वाक्य क्या मतलब, बच्चों को समझाने के लिए। जैसे पूरा घंटा के लिए क्या कहेंगे, ओ क्लॉक कहेंगे, ठीक है। सवा के लिए 1/4 पास्ट, आधे के लिए 1/2 पास्ट, और पौन के लिए 1/4 कहेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, ओ क्लॉक का जो मतलब होता है, ओ क्लॉक का फुल फॉर्म जो होता है, ऑफ द क्लॉक, ठीक। फ्रेंड्स, मैंने लिख रखा है, क्योंकि मैं अगर लिख के बाद में लिख के समझाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स, अब कुछ क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। जैसे कि हमने अपने बच्चे से कहा कि बेटा चौक घड़ी पे देख के अब कितना बजा, तो जैसे वो देखेगा कि 1 बज गया, तो वो कैसे कहेगा, 1:00, ठीक है। उसे हम किस तरीके से सिखाएंगे, बेटा
1 o'clock, यानी 1 बज गए हैं 1 o'clock। यदि हम कहेंगे कि 1 बजने ही वाले हैं, ठीक है, 1 बजने ही वाले हैं, तब हम उसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, 1 बजने वाले हैं तो हो जाएगा इट इज़ आलमोस्ट 1 o'clock, ठीक है। आलमोस्ट का मतलब लगभग, यानी लगभग 1 बजने वाला ही है, ठीक है। तो 1 बजने वाले हैं, इट इज़ आलमोस्ट 1 o'clock। अब जैसे कहेंगे कि 1 बजने के आसपास है, ठीक है, 1 बजने के आसपास है, तो उसको कहेंगे अराउंड 1 o'clock, ठीक है। आसपास मीन्स अराउंड, यानी कि 1 बजने के आसपास है तो अराउंड 1 o'clock। अब जैसे कहेंगे कि हम किसी से बात कर रहे हैं और कहेंगे कि कल मैं कितने बजे आऊँ, ठीक है, मुझे किसी के घर जाना है और मैं उससे पूछूँ कल मैं कितने बजे आऊँ, तो तब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अराउंड 10 o'clock, यानी 10 बजे के आसपास। अब यहाँ पे अब आप ये देख लीजिए कि AM है या PM है, ठीक है, उस हिसाब से आप इसको, इसीलिए मैंने पहले ही आपको AM और PM का फुल फॉर्म बता दिया है, ठीक है। तो जैसे क्या बताया कि जब कोई प्रश्न करे कल मैं कितने बजे आऊँ, यानी कल कितने बजे आना है, तो अराउंड 10 o'clock AM और PM कुछ भी हो सकता है, 1 बजने के आसपास, अराउंड 1 o'clock। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।